फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। क्या आप एक वयस्क हैं और आपका कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें फैटी लिवर रिपोर्ट हुआ है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। फैटी लिवर है क्या दरअसल? सोशल मीडिया पर इस तरह के फैटी लिवर पर बहुत से वीडियो होंगे, क्योंकि मैं एक प्रॉपरली मॉडर्न मेडिसिन का क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, तो मैं ऑथेंटिक साइंटिफिक फैक्ट्स आपको बिना सेंसेशनल बनाए आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि सही कंटेंट को लोग कंज्यूम करें और अपडेटेड रहें साइंटिफिकली। ट्रीट तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन आपका साइंटिफिकली अपडेटेड रहना आपको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाएगा। तो फैटी लिवर दरअसल होता क्या है? फैटी लिवर दरअसल हमारा लिवर बहुत सारे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इन सबके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबके चयापचय, मेटाबोलिज्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और इस ऑर्गन में एक बहुत ही गजब की एक और कैपेबिलिटी होती है, वह यह कि इसकी सेल्स रीजनरेट कर सकती हैं, दोबारा उग जाती हैं, दोबारा बन जाती हैं, जैसे हमारे बाल, नाखून। ऐसा ऑर्गन ना तो हार्ट है, ना किडनी है, दूसरा कोई ऑर्गन में इस तरह की रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए तो लाइव डोनर जो है, जिंदा लोग भी लिवर डोनेट कर पाते हैं, ठीक है? तो इनमें कमाल की हीलिंग कैपेबिलिटी है लिवर सेल्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें वसा इन सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू होता है, और वसा जब डिपॉजिट होने लगता है एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम फैटी लिवर डिसीज कहने लगते हैं। फैटी लिवर डिसीज में दरअसल ये साइलेंट डिसीज है, ज्यादातर कोई तकलीफ नहीं होती इंसान को, शुरुआती स्टेजेस में तो कुछ भी नहीं, साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं हाइपरटेंशन की तरह। तो फैटी लिवर डिसीज में कोई भी तकलीफ इंसान को नहीं होती, और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मामूली हल्के फुल्के फैटी लिवर के साथ निकाल देते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे नहीं, इन फैटी लिवर केसेस में तो कुछ लोगों का फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस कर रहा होता है, और इसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक क्यों? क्योंकि आपने अल्कोहल नहीं पी रहे हैं आप रेगुलरली, जो कि अल्कोहल से भी लिवर सिरोसिस होती थी, ये बहुत पहले से नोन फैक्टर है जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल होते हैं उनसे। लेकिन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज का मतलब हुआ कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तब भी आपको सिरोसिस डेवलप होती जा रही है, तो ये फैटी लिवर के प्रोग्रेस करने से होता है। ऐसा फॉर्चुनेटली कम लोगों में होता है, लेकिन होता है। अब ये फैटी लिवर में जब शुरुआत में, मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी पूछा था, जब कोई तकलीफ ही नहीं होती तो पता कैसे चलता है? ये आमतौर पर रूटीन सोनोग्राफी पर पता चलता है, जैसे कि आपको किसी और वजह से पेट दर्द हुआ, तब सोनोलॉजिस्ट ने देखा और पाया कि दर्द कोई किडनी स्टोन का था, लेकिन उसने साथ में लिवर को भी देख लिया और आपको बता दिया कि आपको फैटी लिवर स्टेज वन है, ठीक है? तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती, या फिर आपने एक रूटीन चेकअप के रूप में अपना बिना किसी तकलीफ के सोनोग्राफी कराया और उसमें फैटी लिवर पता चल गया। फैटी लिवर की स्टेजेस आप सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में हमेशा देखते होंगे, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। तो ये क्या होती हैं? यदि वसा की मात्रा कम हो, अराउंड 10%, लेस देन 10% हो लिवर सेल्स में, तो उसे फैटी लिवर स्टेज वन बोलते हैं। सोनोग्राफी में ये लिवर हल्का सा साइज में भी बड़ा दिख सकता है। स्टेज टू जो है उसमें 35-60% हो जाएगी वसा की मात्रा, और स्टेज थ्री जो होगी वो 66% से ज्यादा मात्रा। तो ये प्रोग्रेस करके हो सकता है ना प्रोग्रेस हो और स्टेज वन में ही जिंदगी भर पड़ा रहे, हो सकता है स्टेज टू में ही पड़ा रहे। लेकिन यदि आपको स्टेज टू रिपोर्ट हुआ है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टेज टू वाले स्टेज थ्री में प्रोग्रेस कर सकते हैं, और स्टेज थ्री में यदि आप होते हैं तो रियली रिस्क बढ़ जाता है आपके फाइब्रोसिस होने लिवर की सेल्स के और सिरोसिस होने का। फाइब्रोसिस और सिरोसिस जब लिवर सेल्स में होती है तो ये एक ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल कंडीशन होती है, जिसमें लिवर खराब होना शुरू हो जाता है, और लिवर खराब होने के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। स्टेज टू तक भी कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। लिवर खराब होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, आपकी एपेटाइट खत्म होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, वजन लॉस होने लगेगा, पिगमेंटेशन, बीमार जैसे दिखने लगेंगे, डार्कनिंग ऑफ स्किन होनी शुरू होगी शुरू में, फटीग होने लगेगा, नींद में दिक्कतें होने लगेगी, ये इनिशियल लक्षण है। इसके बाद फिर बाकी लिवर फेलियर के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें कि एसआईटिस मतलब कि फ्लूड भर जाना, स्प्लीन का, तिल्ली का बड़ा हो जाना,
लिवर का श्रिंक हो जाना जो कि सोनोग्राफी में श्रिंक सिरोसिस की तरह दिखाई देगा, और ये जब हो जाता है तो फिर इंसान को ठीक होने की संभावनाएं कम होने लगती हैं और फिर लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह अल्टीमेटली जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग फॉर फैटी लिवर डिसीज। तो प्रिवेंशन कैसे करें और ट्रीटमेंट क्या है उस पर भी मैं आऊंगा। तो प्रिवेंशन और कॉज रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर आजकल का खान पान है जिसमें हमारा मेन खान पान कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट हो गया है। बहुत सारा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, और सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। दरअसल हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बाहर जंगलों में सालों साल तक मेहनत करती रही है। खूब हमने चाहे खेती के लिए की या शिकार के लिए की, जिस भी के लिए की, हम लगातार मेहनत करते रहे, तो हमें वसा जो है हमारे एब्डोमेन में भी नहीं इकट्ठा हुआ और लिवर में भी कम होता था, लेकिन अब सेडेंटरी हो गई लाइफ, ठीक है। दूसरा, हमने इजीली फूड मिलने लगा तो कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे अलग अलग तरह के अनाजों में उपलब्ध होता है, शक्कर में बहुत उपलब्ध होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत डीप फ्राइड चीज़ें जैसे कि समोसा, हम यूजली जंक फूड किसको मानते हैं, जब भी किसी से पूछो जंक फूड क्या है, पिज्ज़ा बर्गर का नाम लेता है, हमारे समोसा का कोई नाम नहीं लेता। हमारी जो जंक फूड का राजा हुआ और जंक फूड की रानी जलेबी, जो कि मैदा है और डीप फ्राइड है, मुझे भी बहुत पसंद आती है, खासकर दूध जलेबी और साथ में मैदा और डीप फ्राइड, और वो भी चाशनी में भी डुबो दिया, तो पूरा कॉम्बिनेशन है। तो वो जंक फूड के राजा और रानी हम लोग ही के पास है। हम लोग जो नमकीन कंज्यूम करते हैं वो भी बहुत डीप फ्राइड होते हैं। तो सिर्फ विदेश से आए हुए खाने जंक फूड नहीं है, हमारे अपने खानों में भी बहुत सारा जंक फूड है। तो वो जंक फूड का कंजम्पशन जो है, जिसमें बहुत सारा फैट, जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हो, ट्रांस फैट्स हो, लेकिन फाइबर्स ना हो, ये जंक फूड कहलाते हैं, तो वो हम बहुत कंज्यूम करते हैं। और सेडेंटरी लाइफ, तो क्योंकि, और फिर डायबिटीज का होना, डायबिटीज हमारे देश में बहुत लोगों को है, 5 में से 1 व्यक्ति अल्टीमेटली डायबिटिक होता जा रहा है। तो डायबिटीज, मोटापा, ट्रंकल ओबेसिटी, खासकर तो निकली हुई हो, और साथ में ओवरऑल ओबेसिटी और आपकी क्रॉन डाइटरी हैबिट्स, साथ में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अतिरिक्त रिस्क फैक्टर स्ट्रेस भी है, ठीक है। अल्कोहल तो रिस्क फैक्टर है ही, बट वो अल्कोहल, अल्कोहलिक सिरोसिस हम अलग से क्योंकि लेंगे, इसमें नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स को आप यदि रिड्यूस कर लेते हैं अपनी लाइफ से, तो फैटी लिवर होने की चांसेस बढ़ कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, रेगुलर वॉकिंग करने लगते हैं, वेट कंट्रोल में रखते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करके होल ग्रेन्स, होल फ्रूट, जो अनप्रोसेस फूड को खाना शुरू करते हैं, शक्कर को अपनी डाइट से या तो मिनिमल कर देते हैं या बिल्कुल हटा देते हैं, तो फैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यदि आप स्टेज 1 में, तो रिवर्स भी हो सकता है, स्टेज 2 वाले भी रिवर्स हो जाते हैं, और रेयरली स्टेज 3 वाले भी रिवर्स होने लगते हैं यदि वो डाइटरी हैबिट्स को सही रखें। साथ ही साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आप अपने एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से बात जरूर करके करें, मन से ना करें, या फिर प्रॉपरली उसके लिए एजुकेटेड हों पहले। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 से 16 घंटे के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, खासकर शुगरी कंटेंट या फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है। फाइबर्स वाइबर्स आप ले सकते हो, मूली गाजर टाइप की चीज़ें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी अपने एडवांटेज हैं, सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमें हेल्प मिलती नहीं होता है। तो ये थी बात प्रिवेंशन की। तो रिवर्सल में भी कोई दवा नहीं है, एक्चुअली दवाओं के दावे बहुत होंगे, बट कोई दवा नहीं, लाइफ स्टाइल डिसीज है, ये लाइफ स्टाइल से ही ठीक होगी, कोई खास दवा नहीं। हाँ, विटामिन ई वगैरह का कुछ कुछ रोल देखा गया है, वो भी बहुत ही कंफर्म रोल नहीं है। तो विटामिन ई सप्लीमेंट्स कुछ डॉक्टर्स दे देते हैं, वो आप कुछ समय लेकर देख सकते हैं, देख लीजिए कि विटामिन B12 की, विटामिन डी वगैरह की कमी तो नहीं बॉडी में, वो देख लीजिए, जिससे आपको एनर्जी लेवल रहे और आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो इससे भी रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। बहुत ही कारगर दवा फिलहाल कोई सी नहीं है, लेकिन रिसर्च इस पर चल रही है कि शायद कोई कारगर दवा आ जाए। कैसे पता चले कि फैटी लिवर है? सिर्फ अल्ट्रासाउंड काफ़ी नहीं है स्टेज, क्योंकि वो अनरिलायबल भी होता है अल्ट्रासाउंड। इसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड में, यदि आपको स्टेजेस में कोई भी फैटी लिवर लिखा है, तो फाइब्रो स्कैन करके होता है। इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि आपका फैटी लिवर कितना है, और कहीं वो जो सेल्स हैं वो फाइब्रस तो नहीं हो रही। फाइब्रस मतलब एक तरह से डेड होना शुरू हो जाती है, ये सिरोटिक तो नहीं हो रही, ये सब फाइब्रस स्कैन से आपके पता चल सकता है। फाइब्रस स्कैन जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ भी होते हैं, इसके सेंटर्स होते हैं, अपनी सिटी में आप सर्च करके देख सकते हैं। स्वस्थ जन सम्राज, उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको मदद मिलेगी
और आप को कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।